हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त ललित तो और बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपने चैनल ए सी एन डी सी ललित पे तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वीडियो में हम आपको कुछ डेकोरेशन दिखाएंगे कि डेकोरेशन में बहुत सारा नया डिजाइन का जैसे पिक्सल का ट्री होगा और आपका नॉर्मल ट्री होगा ऐसे नॉर्मल बहुत सी तरीके का आपको लाइट अभी इसमें दिखाएंगे जो कि डेकोरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है थेका? तो वीडियो में आपको नॉलेज के थ्रू तो मतलब इसमें कुछ नहीं है सिर्फ आपको कुछ नया डिजाइंस वगैरह देखने को मिलेगा जो कि आपको मोटिवेट करेगा कि इस चीज़ को कैसे बनाएं और किस तरीके से बनता है सभी चीज़ आपको कभी फिर हम अगर बनाते हैं ये सब चीज़ तो हम आपको धीरे धीरे इस सभी के बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके से बनता है ये भी हम आपको बताएंगे ठीक है दोस्तों और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं लेकिन बेल आइकन आप लोग प्रेस नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और आप लोग को भी नई वीडियो के बारे में जानकारी नहीं मिलता है ठीक है दोस्तों तो देख सकते हैं अभी ये सब स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई होता है तो जस्ट ये हम लोग का घर के बगल में रहता है तो और ये है देखिए हम लोग का जिसे क्लब कहते हैं जहाँ पे हर लड़का वगैरह आते हैं बैठने के लिए और इस साइड भी आप देख सकते हैं बड़ा बिल्डिंग है ये मेरा बाइक है तो बाइक कुछ खास नहीं है दोस्तों बस जो पुराना मॉडल में जो चलता था या मा आर एक्स वन थर्टी फाइव का है तो जस्ट हमने इसे मॉडिफ़ाई किया है तो आपको एक बार मेरे बाइक दिखाते बाइक नहीं दिखाया है कभी आपको तो ये मेरा बाइक है इसे बस मॉडिफाई किया गया है ठीक है और इसमें कुछ चेंजेस जैसे कि हमने खुद से किया है जैसे आप इसमें जैसे लाइट अगर देखते हैं इसका फ्रंट का लाइट अगर आप देखते हैं देखिए तो इसमें क्या है कि हमने खुद से इसमें रेडियम वगैरह लगाया जो कि देखिए इसमें अभी ग्रीन कलर का जलता है अभी तो दिन का समय है आपको पता नहीं लगेगा तो ये पूरा ग्रीन कलर की है ठीक है दोस्तों तो ये कभी हम आपको रात में लाइट को जला के दिखाएंगे तो ये भी हम खुद से ही बनाए हैं और यही है मेरा एक टूटा फूटा सा बाइक ठीक है जस्ट एक बाइक कैसा है बताइएगा कलर कॉम्बोनाइज कैसा है खुद से मॉडिफाइड कीप करवाया था ठीक है तो इधर जस्ट ये जो बड़ा बिल्डिंग है इसके पीछे में जस्ट हम लोग का घर है ठीक है तो हम लोग यहीं पर क्लब पे आते हैं और घूमने के लिए तो चलिए जो मेन चीज़ है दोस्तों तो यही जो आपको बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है तो इसी में डेकोरेशन किया गया था और शादी में था तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सा डेकोरेशन किया गया था और क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है कौन सा कौन सा नया नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों जैसे जो कि बात था कि आप लोग वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल लिखा हुआ आएगा उसे ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं ये जो लाइट है देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ़ आपका जो मोती होता है तो मोती इसे जाके नीचे पार लाइट दे दिया जाता है ठीक है ताकि जो भी कलर इसमें पारलाइट में दिखाया जाए वो उस पर अच्छी तरीके से चले ठीक है अब चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ लाइटिंग का पेयर जैसे कि आपने मेरा इसका वीडियो भी देखा होगा उसमें ग्रीन कलर का आपको पतिया दिखाया गया था तो इसमें देखिए पिंक कलर का है तो इसके बारे में डिटेल्स आपने देखे होंगे और ये जो पेड़ है ये सिर्फ नॉर्मल सा पत्ता है और इसे भी पार्लेकेट द्वारा चलाया गया है ठीक है ये जो पेड़ है इसमें भी देखिए वही ग्रीन कलर का है बस इसमें थोड़ा सा जो बल्ब वगैरह लगा के इसमें फल का रूप दिया गया है ठीक है और इस साइड में जो तीन पत्ते वाले देख रहे हैं ये भी नॉर्मल सा ही है बस पत्ते के बीच बीच में एक एक एलईडी दिया गया है और ये जो आपको दिखा रहा है ये है पिक्सल का जस्ट पैरेलल कनेक्शन में सभी को आपको इसमें दिया गया है ठीक है जब भी चलेगा जैसे अभी रेड है फिर ब्लू होगा ग्रीन होगा तो जो भी कुछ होगा इसमें बस कलर के पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से इसमें दिया गया है ठीक है तो अभी हम आपको सभी दिखाएंगे जैसे ये तो दिखा ही रहे हैं और इसके बाद बैक साइड में भी पेड़ है लगा हुआ तो उसे भी हम आपको दिखाएंगे तो ये पेड़ जो है सिर्फ इसमें एक पत्ते की तरह रहता है और वाइट कलर का रहता है पूरा और इसमें जो है नीचे से पारलाइट के द्वारा इसका सभी कलर चेंज किया जाता है ठीक है और इसका जो है वीडियो आपको ग्रीन कलर में अगर देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देते हैं आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं ठीक है और ऊपर वगैरह में भी जो चकड़ी का बोर्ड है तो इन सभी चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको तो इसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जब ये सब थोड़ा सा उस साइड में हम चाहते हैं और उस साइड में जो देखिए आपको एक पिंक कलर का और भी गाँच दिख रहा है तो उससे चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं और फिर हम बैक साइड में जाएंगे बैक साइड में जाने के बाद पोखर के जस्ट उस पार में हम लोग जाएंगे और वहाँ से आपको फुल फिगर इसका दिखाएंगे ठीक है कि कैसे लग रहा है दूर से भी आपको देखने में ये तो ये भी वही पिंक कलर का गाछ है तो दोनों जोड़ा में आता है जिसे सेटिंग आप लेते हैं तो उस हिसाब से आता है ठीक है और ये तो सब फूल का डेकोरेशन दिया जाता है तो चलिए अब हम चलते हैं उस साइड में और उस साइड में जाने के बाद फिर से आपको दिखाएंगे फूल फिगर लेके आपको दिखाएंगे कि इसमें जितना भी पोखर के उस साइड में जाएंगे तो पोखर देखिए इसके जस्ट पीछे में पोखर है जो ये पेयर वगैरह है इसके राइट साइड में देखिए पोखर होगा तो हम पोखर के उस साइड में जाते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों हमने पोखर की साइड में आ चुके हैं और यहाँ से आपको देखिए पूरा डेकोरेशन बिल्डिंग भी वाइट कलर का है जैसे कि आपको शुरू में देखे हैं तो वाइट कलर होने के कारण इसमें जो पार लाइट का जितना भी फॉक्स गिरता है सभी उसी कलर में बिल्डिंग देखने में लगता है देखिए तो ये दूर से भी अच्छा लगता है देखने में और ऊपर में देखिए तीन चकड़ी भी लगाया हुआ है तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद